नमस्ते। आज अपन पोहा बनाने वाले हैं और मैंने ये सामग्री ली है, 2 प्याज लिए हैं, 4 मिर्ची ली है, ये मीठा नीम है, कड़ी पत्ता है और ये धनिया है और ये मूंगफली ली है मैंने और तेल लिया है और ये पोहा है। चलिए अभी अपन प्याज काट लेते हैं और पोहा कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। इसके पहले छिलके निकाल लेती हूँ। ऐसे प्याज को बारीक काट लेंगे अपन। अभी अपन प्याज को बारीक काट लेते हैं। ये देखिए मैं ऐसे बारीक काट रही हूँ प्याज को। बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है ये। और सुबह सुबह नाश्ता जल्दी झटपट बन जाता है। और ये प्याज भी मैं ऐसे ही बारीक काट लेती हूँ। उसके बाद मिर्ची काट लूँगी। ज़्यादा सामग्री लगती नहीं है इसमें पोहा में। ये अपना प्याज बारीक काट लिया मैंने। अब मिर्ची को भी ऐसे बारीक काट लेते हैं। आप भी आपके हिसाब से जैसे तीखा चाहिए पोहा तो तीखा बना सकते हो। मैंने 4 मिर्ची ली है। ये देखिए ये मिर्ची भी काटना हो गया अपनी। उसके बाद अपन धनिया को भी बारीक काट लेते हैं। ये धनिया भी काट रही हूँ मैं। इतना मैंने धनिया लिया है, थोड़ा सा ही पोहा बनाने के लिए मैंने सब सामग्री काट ली है। और चलिए अभी अपन पोहा कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। चलिए अभी गैस चालू कर लेते हैं और पोहा बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं अपन। अभी मैं कढ़ाई रख रही हूँ तो कढ़ाई को अच्छी तरह गर्म होने देंगे। उसके बाद अपन तेल डालेंगे। कढ़ाई अपनी गर्म हो चुकी है और मैं ये तेल डाल रही हूँ। इसमें 2 चम्मच है तेल। पोहा के हिसाब से आप तेल डाल सकते हो। अभी तेल गर्म हो चुका है, मैं 1 छोटा चम्मच राई डाल रही हूँ इसमें। उसके बाद डालेंगे मूंगफली। मूंगफली को भी अच्छे से ऐसे भुनेंगे। तेल में अच्छी तरह मूंगफली होनी चाहिए। अभी मैं कड़ी पत्ता डाल रही हूँ इसमें। अब मिर्ची डालूंगी। ये 2-4 मिर्ची ली थी, ये मिर्ची भी डाल रही हूँ मैं इसमें। अच्छी तरह मूंगफली अपनी भून चुकी है देखो। अभी अपन प्याज डाल देते हैं। 2 प्याज है ये बारीक कटे हुए, ये देखिए। प्याज को भी अच्छे से अपन भून लेंगे। ज़्यादा भुनेंगे नहीं, मीडियम ही रखेंगे प्याज को। अभी मैं हल्दी डाल देती हूँ। 1 चम्मच हल्दी है, 1 छोटा चम्मच है ये। उसके बाद अपन डालेंगे नमक। नमक ये थोड़ा सा ही है, बिल्कुल अपने पोहा के हिसाब से मैं नमक ले रही हूँ। और इसको ऐसे मिक्स कर लेंगे। नमक आपके हिसाब से आप डाल सकते हो, पोहा के हिसाब से। मैंने भी पोहा के हिसाब से नमक डाला है, आप भी आपके हिसाब से डालना। और मैं ये पोहा पहले ही धो के रखा है 2-3 पानी से। और चलिए अभी अपन पोहा डालते हैं कढ़ाई में। पोहा को अपन मिक्स कर लेते हैं। ऐसे ही इसको मिक्स कर लेना
और अभी अपन इसके ऊपर धनिया डालेंगे। ये धनिया कटा है, ये धनिया मैं ऊपर से डाल रही हूँ। और 2 मिनट के लिए ढक्कन रख लेते हैं। चलिए अभी 2 मिनट हो चुके हैं और ढक्कन खोल के देख लेते हैं अपन। ये देखिए अपना पोहा अभी बन के रेडी है। देखिए मैंने अच्छी तरह, ये देखिए कैसे अपने पोहे अच्छे से बन चुके हैं। और चलिए अभी गैस बंद कर लेते हैं। अपने पोहे बन के रेडी है और चलिए अभी पोहे खाने की तैयारी कर लेते हैं। और मेरा वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और ये धनिया बचा है, ये मैं ऊपर से डाल रही हूँ। ये हो गया अपने पोहे बन के तैयार।